हम लोग एवरीवन, दिस इज फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर के पंजाब पुलिस का जो पेपर हुआ था 2016 में उसके चौथे पोर्शन की। ये जनरल नॉलेज पोर्शन का सेकंड पार्ट है और ओवरऑल पेपर का चौथा पार्ट है। सो लेट्स जस्ट बिगिन। सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 815 रुपीज इन 3 ईयर्स एंड 854 इन 4 ईयर्स, व्हाट इज द सम? कुछ पैसे हैं जिन पर कुछ इंटरेस्ट है, ना हमें पैसे बताए गए और ना ही ये बताया गया कि इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट के साथ उन पैसों की जो अमाउंट है वो बन रही है 815 रुपये 3 साल में और 854 रुपये 4 साल में। तो हम इससे निकाल सकते हैं कि उन पैसों पे हर साल कितना इंटरेस्ट यानी सूद जो है वो बढ़ रहा है। सम इन 3 ईयर 815 रुपीज़, 815 रुपये 3 साल में बन गए, अमाउंट सेम ही है, वो कर्जा जो लिया गया वो उतना ही है, हर साल उस पर बस सूद बढ़ रहा है। सो चौथे साल में उस पर अमाउंट हो गई है 854 रुपए, 854 रुपीज। तो अब हम इसमें से एक साल के अंदर जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करेंगे। सो वो 854 से 815 माइनस कर देंगे तो 39 रुपीज हमारे पास ये इंटरेस्ट आएगा जो हर साल बढ़ता जा रहा है। अब हम निकालेंगे 3 साल का, 39 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 117 रुपीज आ जाएंगे जो कि 3 साल में बढ़ा है। सो 3 साल में टोटल अमाउंट कितनी बनी है? 815 रुपीज। और उसमें से अगर हम ये 117 निकाल दें जो कि 3 साल में सूद उस पे लगा है तो हमारे पास जो ओवरऑल अमाउंट थी, जो ओरिजिनल अमाउंट थी, वो 698 आ जाएगी। यानी कि 4 साल पहले जो कर्जा लिया गया था वो 698 रुपए था, 698 रुपीज था, और उस पे 4 साल बाद 39 39 39 39 रुपीज सम अप होने के बाद, इंटरेस्ट सम अप होने के बाद अब वो कर्जा जो है वो 854 रुपीज बन गया है 4 साल के अंदर। तो ओरिजिनल अमाउंट आपके पास 698 थी और आप इसी तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर? जो प्राइम नंबर नहीं होता वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो 11 एक प्राइम नंबर है, 61 एक प्राइम नंबर है, 31 एक प्राइम नंबर है जो अपने और एक के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते। 91 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 13 और 7 और 1 से और 91 से डिवाइड हो सकता है, 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 91 से भी डिवाइड हो सकता है, 13 से भी डिवाइड हो सकता है और 7 से भी डिवाइड हो सकता है। 13 7 times या 7 13 times, दोनों तरीके से डिवाइड हो सकता है। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता उसके अपोजिट कंपोजिट नंबर होता है, उसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। What is the synonym of contradict? Contradiction जो होता है वो किसी को अपोज करना, किसी की मुखालफत करना, लेकिन सिर्फ अल्फाज से, लड़ाई भिड़ाई करके या झगड़ा करके नहीं। To oppose by words, अल्फाज से किसी की मुखालफत करना contradict कहलाता है। If the hour hand of a clock is turned anti-clockwise from 2 PM to 9 AM, through how many degrees will it have turned? कितने डिग्री मूव हुई होगी घंटे वाली जो सुई है, अगर उस सुई को 2 बजे, दिन के 2 बजे से सुबह के 9 बजे तक खींच के लाया जाए तो। अब ये होता है कि जो क्लॉक है वो एक सर्कल शेप में होता है, तो एक सर्कल के जो डिग्रीज होते हैं वो 360 होते हैं। टोटल एक सर्कल जो बना होता है वो 360 डिग्रीज का होता है, और आर वाली जो सुई है, जो घंटे वाली सुई है, उसने 12 नंबर्स पे रुकना होता है। तो अगर हम 360 को 12 पे डिवाइड करें तो हर घंटे का जो ड्यूरेशन बनता है, जो डिग्री बनती है एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में, वो 30 डिग्रीज बनता है। अब एक घंटे का जब 30 डिग्रीज है तो 2 PM से जब हम वापस खींच के लाएंगे एंटी क्लाक वाइज उसको 9 AM तक, सुबह के 9 बजे तक, तो दरमियान में तकरीबन नहीं बल्कि 5 घंटे बनते हैं, 5 times। अब इस 5 times को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 150 डिग्रीज बन जाएगा। अगर आप 2 PM से घंटे वाली सुई को 9 PM पे लेके आएंगे, 9 AM पे लेके आएंगे, तो ये बीच में जो डिग्री का डिफरेंस आएगा वो 150 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। A man has some hens and cows. If the number of heads be 48 and the number of feet equals 140, then the number of hens will be. अब हम hens को x कह लेते हैं और cows को y कह लेते हैं। उनमें से obviously सबका
सर तो एक ही होगा, तो x प्लस वाई 48, सबके अगर सरों को जमा करें, उनके सर को जमा करें, हेड्स को जमा करें, तो 48 आएगा। तो टोटल तादाद हमारे पास जो है वो 48 है, जितने सर हैं उतने ही हमारे पास हैंड्स और काउस हैं टोटल ओवरऑल जो है। अब हैंड्स के दो पैर होते हैं 2 फीट, एंड जो गाय है, जो काउ है, उसके चार पैर होते हैं। तो इसकी इक्वेशन हम बनाएंगे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम दो के साथ मल्टीप्लाई करके ये वाली इक्वेशन बना लेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 96, ताकि हमें माइनस करने में आसानी रहे। अब हम इस दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 2x 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा और 4y में से 2y निकल जाएगा या 2y में से 4y निकल जाएगा, जिस तरह हम आप करना चाहें। तो अगर हम 2y में से 4y इसी तरह माइनस करते हैं और 96 में से 140 माइनस करते हैं, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 44 बन जाएगा। अब इन दोनों का आपस में डिवाइड करें, माइनस 2 को माइनस 40 माइनस 44 को माइनस 2 से डिवाइड करें, तो आपके पास y इज इक्वल टू 22, यानी कि जो गाय है उनकी तादाद 22 आ जाएगी। अब 48 हमारे पास टोटल जानवर थे, उनमें से 22 काउस को माइनस करें तो 26 हेंस आपके पास आ जाएंगी। यही इसका जवाब है, 26 मुर्गियां हैं जबकि 22 गायें हैं 48 में से। अगर हम थॉट ऑफ अ नंबर एडेड 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू कवर 5 एंड डिवाइडेड बाय 4 टू गिव एन आंसर ऑफ 7, व्हाट इज दैट नंबर? नंबर को हम x ले लेते हैं, उसमें से अगर हमने 7 प्लस किया और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई 3x प्लस 21। उसके बाद उसने उसमें से 5 निकाल दिया, 3x प्लस 21 माइनस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 16। देन उसने 4 के साथ इसको डिवाइड कर दिया। अब 3x प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 7। तो ये जो 4 नीचे डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे जवाब बन जाएगा 28। 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 28। नेक्स्ट उसके पास आंसर जो आ गया है, अब इसको हम हल करते हैं, तो 3x इज इक्वल टू 28 माइनस 16 विल बी इक्वल टू 12। 3x इज इक्वल टू 12, सो x इज इक्वल टू 12 बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4। x हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 उसने ओरिजिनली सोचा था, उसमें 7 ऐड किया था, 11 बन गया था, मल्टीप्लाइड बाय 3 किया था तो 33 बन गया था, 5 माइनस किया था तो 28 बन गया था, और डिवाइड किया था 4 से तो वो नंबर आ गया था 7। 28 को 4 से डिवाइड किया था तो एंड पे जो नंबर बचा था वो 7 था। तो आप इस तरह से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। व्हाट इज बाइनरी वैल्यू ऑफ 200? किसी भी चीज की, किसी भी नंबर की बाइनरी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उसको 2 पे डिवाइड करते जाएं, एंड तक 2 पे डिवाइड करते जाएं। 200 को 2 पे डिवाइड किया तो 100 आ गया, रिमाइंडर कोई नहीं बचा, तो यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। 100 को 2, बाकी जो 100 यहाँ पे आ गया उसको अगेन 2 पे डिवाइड करें, 50 आ गया, यहाँ पे भी कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो 0 लिख लें। 50 को 2 पे डिवाइड किया तो 25 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचा तो 0 लिख लें। 25 को 2 पे डिवाइड किया तो ये 12 टाइम्स गया और एक जो है वो रिमाइंडर आ गया, तो उसको आप यहाँ पे लिख लें। 12 को 2 पे अगेन डिवाइड किया तो 6 आ गया, रिमाइंडर नहीं बचा। 6 को 2 पे डिवाइड किया, 3 आ गया, रिमाइंडर नहीं बचा। 3 को 2 पे डिवाइड किया, 1 टाइम गया और एक रिमाइंडर आ गया, तो उसको आप यहाँ लिख लें। 1 को अगेन डिवाइड करना है आपने 2 पे, और 0 जो है वो 0 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर आएगा 1। ये वाला स्टेप आपने लाजमी करना है। नॉर्मली हम जब डिवीजन कर रहे होते हैं तो हम यहाँ तक डिवीजन करते हैं, लेकिन जब आपने बाइनरी कैलकुलेट करना है तो आपने ये वाला स्टेप भी करना है। 1 को आपने अगेन 2 पे डिवाइड करना है और रिमाइंडर आपने 1 लिखना है, तो उसके जवाब में आपके पास ये वाला नंबर आ जाएगा। ये बाइनरी वैल्यू है 200 की। आप कोई भी नंबर उसको 2 पे डिवाइड करके एंड पे जाके उसका इसी तरह से आंसर निकाल सकते हैं। अगर वो पूरे का पूरा डिवाइड हो रहा है तो उसका मतलब है आप रिमाइंडर 0 लिखेंगे, अगर वो पूरे का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली 2 ही है तो उनमें से एक रिमाइंडर होगा, कहीं ना कहीं पे जो भी रिमाइंडर आएगा वो एक ही होगा, एक से ज्यादा रिमाइंडर नहीं आ सकता, तो उस रिमाइंडर को आप साइड पे लिख लेंगे और वही आपके एंड पे ये वाला नंबर बनेगा। और ये नंबर लिखते वक्त आपने नीचे से स्टार्ट करना है, ये 1 पहले लिखना है, फिर उसके बाद ये वाला 1 लिखना है, फिर उसके बाद ये 0 0, ये 2 0,
उसके बाद ये वाला वन, यहाँ पे वन, और ये तीनों जीरो जो है आपने एंड पे इस तरह नीचे से शुरू करके आपने ये नंबर स्टार्ट में लिखना है, और इस तरह से आपके पास बाइनरी वैल्यू आ जाएगी किसी भी नंबर की जो भी आप कैलकुलेट करना चाहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा जो 2017 का पेपर है उसको भी देख लीजिएगा, और इसके भी चारों पार्ट्स को देख लीजिएगा। इस पार्ट में जो IQ क्वेश्चंस हैं, इससे पहले वाला जो पार्ट है उसमें कुछ जनरल नॉलेज क्वेश्चंस थे, और फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो था उसमें कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जो आपके जॉब रिलेटेड पार्ट है 50% वो सारे थे। तो उनको भी ध्यान से देख लीजिएगा, और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग पेपर। थैंक यू।